तौर पे किया जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो विचार होते हैं उनको जो है स्पष्टता प्रदान की जाती है, साथ ही साथ में उसे तर्क और वितर्क के साथ में जो है रखा जाता है। इसके बाद हमारा आता है तीसरा पॉइंट, वह आता है पाठ्य वस्तु। तीसरा पॉइंट हमारा आता है पाठ्य वस्तु, ठीक है। जो हमारी पाठ्य वस्तु होती है भविष्य के उपयोग हेतु रखी जाती है। पाठ्य वस्तु भविष्य के उपयोग हेतु रखी जाती, यानी कि लिखित काल में, जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने एक पाठ्य पुस्तक या फिर हम कह सकते हैं कि आपने कॉपी में जो है गणित का कार्य किया, तो घर में क्या कह रहे हैं कि पाठ्य वस्तु तो भविष्य के उपयोग हेतु भी रखी जा सकती है, क्योंकि जब हमारे पास में लिखित तौर पर कोई भी कार्य मौजूद होगा तो उसे हम जो है आसानी से कभी भी पढ़ सकते हैं तथा उसके बारे में कभी भी जानकारी ले सकते हैं। अर्थात सपोज कीजिए कि आज आपने वर्तमान समय में जैसे कि पहाड़े लिखे, अपनी जो पाठ्य अपनी कॉपी होती है उसमें क्या करा, पहाड़े लिखे। अब उस पहाड़ों को आपको आज से 3 महीने बाद अगर आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, उसे उठा करके कभी भी उसका दोहरान कार्य कर सकते हैं। तो लिखित कार्य का सबसे बड़ा महत्व यही होता है कि हम उस कार्य को हमारे पास पर लिखित तौर पर होता है तथा उस कार्य को हम कभी भी जो है दोहरान कर सकते हैं तथा उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट आता है गणित की जटिलताओं का वो। गणित की जटिलताओं गणित विषय का ज्ञान आसानी से प्रदान किया जा